का मुद्दा वहां पर निकल के आ रहा है। तो इस सब के बीच पिछले कुछ सालों में जो वहां पर जितने भी रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोसेस चली थी, उन प्रोसेसेस में कई तरह के भ्रष्टाचार वहां पर सामने आए हैं। ये सब जो भ्रष्टाचार का मामला है, वो क्या कहते हैं लोग उस बारे में? देखिए, भ्रष्टाचार की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं आज जब मैंने ऑटो वाले लोगों के साथ बातचीत की, उनके साथ सवारी भी की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे दुख दर्द में वो शामिल नहीं हो पाते हैं। 12,000 रुपये आंध्र प्रदेश की सरकार ऑटो रिक्शा चालकों को देती है, लेकिन तेलंगाना सरकार नहीं देती है। तो ऑटो रिक्शा चालकों की ये मांग थी कि 12,000 रुपये उन्हें मिलने चाहिए। और आप जो इसमें देख पा रहे होंगे, चंद्रशेखर नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के आखिरी पड़ाव में दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने वीर सावरकर को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके जो मूर्ति थी, उनके जो स्मारक थे, वहाँ पर उन्होंने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किया और